महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। खोपोली कस्बे के निकट एक पहाड़ी इलाके में रविवार की रात एक बस के पलट जाने से 2 छात्रों की मौत हो गई और 47 अन्य घायल हो गए। ये छात्र लोनावला में पिकनिक मनाकर लौट रहे थे, पुलिस ने ये जानकारी दी। वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रेक फेल होने के कारण बस चालक का वाहन से नियंत्रण खो गया। एक अधिकारी ने बताया कि घटना लोनावला हिल स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर दूर पुराने मुंबई पुणे राजमार्ग पर रात करीब 8 बजे मैजिक पॉइंट पहाड़ी के निकट हुई। उन्होंने बताया कि निजी बस में उपनगर चेंबूर की एक कोचिंग कक्षा के 49 छात्र सवार थे। उन्होंने कहा कि वे सभी 10वीं कक्षा के छात्र है। अधिकारी ने बताया कि छात्र जब लोनावला में पिकनिक मनाकर लौट रहे थे, तभी बस के चालक ने ब्रेक फेल होने के कारण खोपोली के पास घाट इलाके में वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में सभी छात्र और चालक घायल हो गए। उन्हें लोनावला और खोपोली के अस्पतालों में ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 17 और 16 साल के 2 छात्रों को मृत घोषित कर दिया गया।